इस संसार में हर व्यक्ति ये जानता है कि एक दिन आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। ये जीवन का एक कड़वा सत्य है कि जो आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम कोई ऐसा कार्य करें जिससे व्यक्ति हमारे मरने के बाद हमारा नाम ले, हमें याद करे, मरकर भी हमारा नाम अमर हो जाए। क्योंकि ये जिंदगी 4 दिन की जिंदगी मिली है, ये पता नहीं कि ये जिंदगी हमसे कब छीन ली जाए। तो चलिए जानते हैं आगे एक कथा के माध्यम से। एक नगर में एक राजा राज करता था, लेकिन वह राजा सिर्फ 1 साल तक ही राज करता था, सिर्फ 1 साल। और जब उसका 1 साल का समय पूरा हो जाता था तो उस राज्य के सेवक और मंत्रीगण इत्यादि उस राजा को राजगद्दी से उतारते और एक जंगल जो मीलों फैला हुआ था उस घने जंगल में उस राजा को छोड़कर आते थे। और वहाँ पर बड़े घने जंगली जानवर रहते थे। या तो उस राजा को वो जानवर खा जाते थे या फिर वह राजा भूख प्यास के मारे तड़पकर मर जाता था। तो कहने का मतलब था कि 1 साल का ही तो सुख था, बाकी की जिंदगी तो बेकार ही थी। उस राज्य का यही एक नियम था कि राजा सिर्फ 1 साल तक ही इस राज्य में राज करता था। ये नियम ऐसे ही आगे चलता रहा। एक दिन की बात, एक पराए नगर से एक व्यक्ति उस राज्य में आया। वह व्यक्ति युवा था और बुद्धिमान भी था, अच्छा समझदार था। तो वह बुद्धिमान अनुभव उस नगर में प्रवेश किए। एक साधारण सी बात है, तो राजा कोई अपने मन से तो बनेगा नहीं। जिसे ये पता है कि 1 साल बाद मुझे जंगल में डाल दिया जाएगा, तो कोई व्यक्ति वहाँ का राजा बनना उचित नहीं समझेगा। बोले जो नगर में पहले प्रवेश करेगा उसी को राजा बना दिया जाएगा। जैसे कि राजा का कार्य समाप्त हुआ और उसे घने जंगल में छोड़ आए, उसके बाद पहला व्यक्ति जो उस नगर में प्रवेश करेगा उसी को राजा बना दिया जाता था। उस व्यक्ति को इस नियम के बारे में पता नहीं था। सब लोग मंत्रीगण एकत्रित हुए और बड़े खुश हुए कि राजा मिल गया, राजा मिल गया। और वह व्यक्ति भी बड़ा खुश हुआ कि मैं राजा बन गया, राजा बन गया। और राजगद्दी पर बैठा दिया गया। वह बुद्धिमान व्यक्ति जैसे ही राजगद्दी पर बैठा, उसके बाद मंत्री ने वहाँ के नियम बताए कि महाराज इस राज्य के ये नियम है और आप राजा सिर्फ 1 साल तक ही रहोगे और 1 साल बाद आपको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। वहाँ जो भी हो तुम्हारे साथ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। राजा बड़ी समस्या में आ गया। तो उस राजा ने रात भर सोचा, बुद्धिजीवी तो था ही, अपनी बुद्धि भगाई दौड़ाई उसने और बोले कि ठीक है भाई, 1 साल तक तो हम ही है ना राजा। बोले यहाँ वो ही होगा जो हम चाहेंगे। तो मंत्रीगण बोले हाँ, जो आप चाहोगे 1 साल तक यहाँ वही होगा। तो राजा बोले एक काम करो, जंगल की सैर करने जाना है हमको, और उसी जंगल की जहाँ हमें 1 साल बाद जाना है। मंत्रीगण बोले हे राजन, 1 साल बाद आपको वहाँ तो जाना ही है। बोले नहीं, हम तो पहले ही वहाँ जाएंगे, हम देखना चाहते हैं कि वो जंगल कैसा है। मंत्रीगण बोले ठीक है महाराज, और उन्हें लेकर चले गए। राजा वहाँ का सारा निरीक्षण करके आ गए और उन्हें यह भी समझ में आ गया कि यहाँ मरे बिना पीछा नहीं छूटेगा, यहाँ तो मरना ही निश्चित है। इतने घने जंगल हैं, कहीं से रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है, जंगली जानवर इतने हैं कि मरना निश्चित ही है, खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है और एक भी फलदार यहाँ वृक्ष नहीं है, तो मरना ही निश्चित है। तो राजन ने अपनी बुद्धि लड़ाई और बुद्धि लड़ाने के बाद सभी मंत्रीगण को अपने पास बुलाया कि बोले सुनो, मैं तुम्हें 6 महीने का समय देता हूँ। 6 महीने के भीतर भीतर जैसा ये महल है ना, वैसा ही महल उस जंगल में बनाओ और इस महल से लेकर के उस महल तक की सड़क बनवाओ और उसी जंगल में पेड़ काट कर एक बढ़िया सा फलदार बगीचा लगाओ जहाँ फल खाने को मिल सके, पूरी व्यवस्था करो। यह सब कुछ 6 महीने में हो जाना चाहिए। मंत्रीगण बोले ठीक है महाराज, हम अभी से कार्य करना शुरू करते हैं। राजा की आज्ञा अनुसार सभी प्रजा और मंत्रीगण काम करने में जुट गए। और उसके बाद जब 1 साल का समय पूरा होता है तो राजन अपनी प्रजा और मंत्रीगणों से कहता है कि चलो, हम वहाँ जाने के लिए अब तैयार हैं। और अन्य लोगों को राजा को राजगद्दी से उतारना पड़ता था, लेकिन यहाँ अब राजा कह रहा है कि चलो, अब हमारा समय पूरा हो चुका है। तो वहाँ के मंत्रीगण और प्रजा ने कहा कि हे राजन, अब आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं रहोगे। राजा उनसे बोला कि ऐसा क्यों? तुमने ही तो कहा था कि 1 साल बाद तुम्हें जंगल में छोड़ आएंगे।
मंत्रीगण बोले, एक साल बाद मूर्खों को जंगल में छोड़ के आते थे, तुम जैसे बुद्धिजीवियों को नहीं। जैसे कि आपको बताया गया कि एक साल बाद तुम्हें वहाँ छोड़ दिया जाएगा, और यही सभी नियम अन्य राजा को भी बताए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सब खाने पीने और सोने में ही लगे रहे, एक दूसरे के साथ नाचने में ही रहे। किसी ने वो एक साल बाद की तैयारी नहीं की। आप धन्य हैं जो आपने एक साल पहले ही दिन से वहाँ जाने की तैयारी प्रारंभ कर दी। आप धन्य हो, आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को हम वहाँ नहीं छोड़ सकते। आपको यहीं इस राजगद्दी की आवश्यकता है। आप हमारे साथ रहिए, अब हमेशा जब तक आपका जीवन है आप ही राजा रहेंगे। यह अध्याय देखने वालों, आप यह तो समझ ही गए होंगे कि हमारे कहने का अभिप्राय क्या है। जब तक हम यहाँ जीते हैं तब तक हम यहाँ आनंद में रहते हैं, लेकिन हमारे रिश्तेदार और हमारे पड़ोसी हमें घने जंगल में कहाँ छोड़कर आते हैं? बोले, शमशान में, जहाँ से वापस नगर में नहीं आया जाता है, और उसके बाद हमें किसी भी प्रकार का आनंद नहीं मिलता है, और यह जीवन का कड़वा सत्य सभी जानते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति इस सत्य को पहचानने से इनकार कर देता है। एक बात हम आपको बताएं कि अगर वेद सत्य है, भागवत सत्य है, पुराण सत्य है, ऋषि वाणी सत्य है, भगवत वचन सत्य है, तो आप खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं, लेकिन तभी जब आप सत्य कर्म करोगे, गरीबों की मदद करोगे, बेसहारा का सहारा बनोगे, और किसी को अपना घमंड नहीं दिखाओगे, सदा दूसरों की मदद करोगे, तभी आप कुछ लेकर यहाँ से जाओगे। लेकिन तैयारी करो, उस राजा की तरह बुद्धिजीवी बनो। तुम्हें भी यह पता है कि तुम्हारे साथ यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है, तो तुम्हें अपनी बुद्धि लड़ानी चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। सत्य कर्मों की सड़क बनाओ, भजन का महल बनाओ, और परोपकार का बगीचा लगाओ। हम भी देखें तुम कैसे खाली हाथ जाओगे मेरे प्यारे। अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बिना इसके तो आप खाली हाथ ही जाओगे। जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी जल्दी समझ लीजिए, भजन, सत्कर्म, परोपकार, ये आपके सड़क, महल, बगीचे हैं, और फिर परमात्मा भी आपको वहाँ से यहाँ आने नहीं देगा। तू इतनी दिव्य पवित्र आत्मा है, तेरा वहाँ कोई काम नहीं है, और तुम्हारा ये जीवन और ये यात्रा मंगलमय हो जाएगी। प्रिय श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करके हमारा हौसला और बढ़ाइए, और हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही रोचक जानकारी वाली वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।